सो हेलो एवरीवन, दिस इज सार्थक। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस, जैसे कि आप सभी जान सकते हैं, आज हो चुका है हम लोग का सैटरडे और आज हम लोग का यहाँ पे फ्रेशर्स भी है। जी हाँ दोस्तों, आज फ्रेशर्स भी है कॉलेज का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और उससे पहले तो अभी यहाँ पे पूरा जो स्पोर्ट्स वगैरह उसका चलेगा लगभग, फिर 2 या 3 बजे से अपना वो फ्रेशर शुरू होगा, तो हम लोग चलेंगे 4-5 बजे से। मगर क्यों? क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होने वाला है और शुरुआत में जाके कोई फ़ायदा ही नहीं धूप में खड़े होने का, और चला जाएगा अपना आराम से। और दोस्तों, आज हम लोग 7 ही बजे उठ चुके हैं। ये कैसे हो गया? मतलब कि इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है ना कि 7 बजे उठ गया। छुट्टी के दिन 7 बजे उठना ऐसा लगता है कि मतलब कोयले के खदान में हीरा ढूंढना, उतना रेयरेस्ट मोमेंट होता है ये। काफ़ी मुश्किल होता है। 7 बजे मैं नॉर्मल डे पे नहीं उठता, जब 3 अलार्म नहीं बज पाता तब तक नहीं उठ पाता हूँ। खैर, आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे शुरुआत में क्योंकि फ्रेशर्स के रिकॉर्ड करेंगे, तो अभी बस यही रिकॉर्ड कर लेते, फिर थोड़ा खाना पीना का रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर डायरेक्ट मिलते हैं आप सभी से फ्रेशर्स में। One eternity later. So, भाई लोग, फाइनली हम लोग चल रहे हैं इवेंट में। जी हाँ दोस्तों, शाम हो चुका है और अभी लगभग 4 बज रहे हैं। 2 बजे से शुरू था लेकिन 4 बजे चल रहे हैं क्योंकि धूप काफी था, इसलिए अभी चलना चाहिए। बाकी सब भी अभी चल रहे हैं, इसलिए अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या क्या इवेंट होता है। जो भी इवेंट मिलता है उसको रिकॉर्ड कर लेंगे और जो नहीं रिकॉर्ड हो पाएगा उसका कोई दिक्कत नहीं। बाकी चलो चलते हैं। और यहाँ पे देख ही सकते हैं ये लाल रंग का पहने, थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन बढ़िया है, बढ़िया लग रहा है। बाकी चलो चलते हैं इवेंट में दोस्तों और देखते हैं क्या क्या होता है इवेंट में। पिछली बार की तरह होता है कि पिछली बार से बढ़िया होता है कि खराब होता है, चल के रेटिंग करते हैं। सो भाई लोग, फाइनली हम लोग चल रहे हैं इवेंट में। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं और यहाँ पे ये भी नियम एक अलग है कि अगर तुम इवेंट में चले जाते हो तो वापस हॉस्टल आने को भी नहीं मिलेगा। खैर, हॉस्टल आना भी नहीं है, उधर भी चलना है। ये भी फर्स्ट ईयर है क्या? ये भी फर्स्ट ईयर में, चलो बढ़िया है। खैर, यहाँ पे देख सकते हो यहीं पे हम लोग का इवेंट हो रहा है, यही इकलौता स्टेज ही है SRM में, तो यहीं पे इवेंट हो रहा है हम लोग का। अगर तुम लोगों ने अनुभूति वाला ब्लॉग देखा हो तो मेनली उसी की तरह हो रहा है सब चीज़, डिज़ाइन वगैरह वैसा ही है। बाकी इवेंट के बीच बीच में मैं गाना लगा दूंगा क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए बीच बीच में गाना लगा दूंगा। बाकी एंजॉय करो। Your smile keeps playing, your bounce away, yeah. I would go overseas just like that. Don't overthink it, why can't you stay? Give me the call and I should be there like that. I don't understand it. Don't you keep me together when everything around me keeps me under pressure, yeah. It's so overwhelming, but I won't wait forever, so you can come and get it. I don't understand it. I don't understand.
और दोस्तों यहाँ पे तो इवेंट मतलब कि म्यूट ही हो गया था भाई, बिना गाना बज नहीं रहा था, कुछ टेक्निकल टीम में इशू हो गया था इस कारण गाना नहीं बज रहा था, फिर भी ये लोग परफॉर्म कर रहे थे। तो ये इवेंट काफ़ी अच्छा था, मतलब कि बिना गाने के अगर परफॉर्म कर रहे हो तो मतलब कि तगड़ा इवेंट था भाई। सैल्यूट है इन लोगों का, ये असली परफॉर्मेंस इन्हीं लोग का था भाई। बाकी देखो लोग इवेंट, और हाँ अगर थोड़ा दूर से बना रहे तो थोड़ा वीडियो क्वालिटी ख़राब आ रहा होगा क्योंकि दूर से बना रहे, तो उसको थोड़ा इग्नोर कर देना, बाद में अभी आगे चलते हैं हम लोग। सो भाई लोग फाइनली हम लोग आ चुके हैं हॉस्टल, हो गया अपना जितना इवेंट खत्म होना था और काफ़ी मज़ा आया।
सबसे पहले तो स्पेशल थैंक्स टू गौरव भाई, जो कि उनके फोन में आज का पूरा वीडियो रिकॉर्ड हुआ है और आज का वीडियो भी उन्हीं के फोन में एडिट होगा। 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है, बस 4K एडिटिंग हो जाए उसमें, क्योंकि काइन मास्टर मेरे में नहीं सपोर्ट कर पाता है, तो अगर उसमें हो गया तो बढ़िया बात है। बाकी सांभवी को भी थैंक यू जो आ गए, हम लोग उसकी वजह से आ गए, और थोड़ा भाई जयंत भाई के भी फोन से रिकॉर्ड कर लिए, तो काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड किए हैं। आप देखो कब तक एडिट करके कब तक अपलोड कर दे, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, बाकी अब जल्दी अपलोड कर दो क्योंकि घर भी जाना है मुझे आज, कितना संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे अभी टाइम है, एडिट करके अपलोड कर दो। बाकी इवेंट तो बढ़िया ही हुआ, हम लोग की वजह से, हम लोग गए थे मतलब दोस्तों की वजह से बढ़िया इवेंट हुआ, क्योंकि मज़ा आया, खूब डांस वगैरह किए, एकदम आगे खड़े थे, तो इस वजह से इवेंट बढ़िया हुआ, वरना इवेंट तो उन लोगों का चल रहा था, कुछ परफॉर्मेंस तो एकदम म्यूट हो गए थे भाई, गाना ही नहीं बज रहा था उसमें, ऐसे भी परफॉर्मेंस हो रहे थे। बाकी बढ़िया इवेंट हुआ, मज़ा आया, फ्रेशर्स में अब अनुभूति की इंतजार है, अनुभूति में और मज़ा आएगा, और बस अनुभूति में मेरे दोस्त रह जाए, क्योंकि उन लोगों को मेन चीज़ ये है कि कई लोग हैं कि इवेंट में घर चले जाते हैं, भाई इवेंट कम होते हैं कॉलेज में, कम से कम थोड़े बहुत जो होते हैं वो तो अटेंड कर लो, बाद में वही कहोगे कॉलेज में कुछ हुआ ही नहीं, अरे अटेंड करोगे तब ना कुछ होगा, तो ऐसे भी कुछ लोग हैं, देख ले बस, बाकी मिलते हैं बाद में। क्या बाकी ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, और हो गया प्रेशर वगैरह, आप अनुभूति डायरेक्ट सेकेंड सेमेस्टर में होगा, अभी कुछ हम लोग का फोर्थ सेमेस्टर, आप सभी का सेकेंड सेमेस्टर, और फ्रेशर्स आप पढ़ाई पे जाते हो, अब एग्जाम वगैरह आने वाले हैं, तो खैर बाय बाय गाइज़।